लहरी थाना के चंद कदम की दूरी पर साइकिल रिपेयरिंग की दुकान और बोलबम ट्रेवल्स को भी जला दिया गया। कुछ मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, लेकिन आगजनी के दौरान पुलिस प्रशासन कहीं नहीं दिखाई दी। जब तक पुलिस की नींद खुली तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। हिंसा की कहानी खुद पीड़ितों की जुबानी सुनी। कल तक ये तमाम भाई इसी दुकान में साइकिल रिपेयर करके न जाने कितने लोगों की साइकिल को एक नया रंग दिया करते थे, एक नई रफ्तार दिया करते थे। मगर 31 मार्च की रात की बात से ऐसी घटना घटी कि इनकी ज़िंदगी की रफ्तार रुक गई, ज़िंदगी का पहिया थम गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। और इस जले हुए खाक के बीच अब कोशिश उस उम्मीद को तलाशने की है जिसके जरिए वापस इस ज़िंदगी को पटरी पर लाया जा सके। मगर आपको इस दुकान की हम तस्वीर दिखाते हैं, जिस दुकान से ये तमाम लोग महज हर दिन का 300 से 400 500 रुपया कमा पाते होंगे रिपेयर करके, आज यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। ये बिल्कुल बिल्कुल जला हुआ जो पूरा दुकान आपको दिख रहा है, कभी इस दुकान की रौनक हुआ करती थी, यहाँ जो सामान है उसे देखकर आप समझ सकते हैं भाई क्या स्थिति हो गई दुकान की। दुकान की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, सब जल गया, सब जले है, कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल चुका है। क्या चीज़ तुम लोग साइकिल रिपेयर करते थे? ये साइकिल रिपेयर करते थे, साइकिल का बहुत सारा सामान था, साइकिल भी था, जो कि सामान चोरी भी हुआ है, गायब हुआ, उसके बाद जला दिया गया। अच्छा, सामान चोरी भी कर ली गई तुम? सारा सामान चोरी हुआ, उसके बाद जलाया गया। तो अचानक पूरे दुकान में आग लगा दिया गया? सामान लूटने के बाद जलाया गया है। सामान लूटने के बाद जलाया गया। देखिए, सामान लूटने के बाद इनके दुकान को आग के हवाले कर दिया गया और अब कुछ नहीं बचा है। कुछ पेच, कुछ नट बोल्ट, कुछ पेचकस ढूंढ कर इकट्ठा करने की कोशिश है, ज़िंदगी फिर से शुरू करनी है। ऐसे में जितना कुछ बर्बाद हुआ है वो वापस तो नहीं लौटेगा, लेकिन जो बचा है क्या उसके सहारे ज़िंदगी फिर से शुरू हो पाएगी, ये कोशिश है। ये जितने इनके स्पैनर्स हैं, रिंचेज हैं, आप देखिए सब कुछ जल गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। और ये बर्बादी ये बताती है कि कैसे अब कैसे शुरू करोगे फिर से। सब कोई काम कर रहा तुम लोग का? हाँ, कोई काम से नहीं रहा, कोई काम। तो ये सब जो इकट्ठा करो कबार हो गया, ये भंडार में जाएगा खाली, ये कबार। अब तो फिर से शुरू, ये स्पैनर, ये रिंच, ये सब कबाड़ी का लायक हो गया, सब नया लेना पड़ेगा। पहले सब नया था? बिल्कुल नया था, इसने बस इसी से गुजारा हो रहा था हम लोग का, इससे ही इस रोजी रोटी चल रही थी। ये तो बेचारा का रोजी रोजगार था, इसी से कमाना, इसी के बाल बच्चे का पालना है, इसको अब किसी थोड़ी पालना है, इसी से हाथ गोड़ चलता है इसका। गरीब ही भी कमाता खाता है, तो मुझे इसका रोजी रोजगार चल गया था। तो थाना कुछ दूरी पर दिखता है हमें, ये थाना दिख रहा है सामने। हाँ, लही थाना। तो जब आग लग रहा था तो थाना अब लड़ाई चल रहा था, ये थाना जाएगा उतना में प्रशासन वगैरह नहीं आई थी, कुछ नहीं, प्रशासन कम नहीं था उस समय, प्रशासन कम था, प्रशासन थी ही नहीं, जलूस था, जलूस बहुत हाई भी था, और उसमें प्रशासन तो था ही नहीं। वो लड़की लोग को दो दो को दिया था, तो लड़की लोग से दंगा गया और जलूस संभालता है। मुझे दिख रहा है 100 मीटर की दूरी पर है, कोई प्रशासन नहीं था, लेडीज प्रशासन क्या करेंगे, लेडीज लोग को अपना जान बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये खुद भाग रहे हैं, जान बचाने के लिए अपना साइड हो गए, मगर प्रशासन लोग कोई नहीं थे, कोई नहीं। थाना कितनी दूर है यहाँ से? ज़्यादा दूर नहीं, बगल में है, 10 कदम आगे, 10 कदम आगे है। देखिए, मुझे जो यहाँ से बिल्कुल वो थाना दिख रहा है, लहरी थाना, और यहाँ पर ये दुकानों में आग लग रही थी। ये साइकिल रिपेयर की दुकान है, ये न्यू बोलबम, ये कैसी की दुकान है? यहाँ पर ये न्यू बोलबम का ऑफिस था, जिसमें कि इसमें क्या होता था? टिकट करता था। ये बस के टिकट कटने का दुकान है न्यू बोलबम, और ये साइकिल रिपेयर की दुकान है, और दोनों दुकान धू धू करके जल गई। पुलिस थी नहीं, और जो थी वो तमाशबीन रह गई। इन लोगों के ज़िंदगी का पहिया ऐसा थमा कि अब कूड़े के ढेर में उम्मीद की किरण खोजने की कोशिश है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी हुई है कि उम्मीद नहीं कि इसमें राख में से इन्हें कुछ मिल पाएगा। ज़िंदगी के पहले जैसी कैसे शुरू हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इन गरीबों के पास अब कोई आसरा नहीं, जलाने वालों ने इनका सब कुछ जला दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, बिहार शरीफ। और बिहार शरीफ के गगन दीवान इलाके में भी उपद्रवियों ने सब कुछ बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा एक गैरेज के पास गए, जहां बाहर से ही बर्बादी का मंजर ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। लाखों की गाड़ियां कबाड़ बन गई थी, तबाही के मंजर को दिखाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रमिला कॉम्प्लेक्स का ये गोडाउन, जिसमें रखी नई गाड़ियां अभी
मलबे में तब्दील हो गई हैं। जी हाँ, ये अरुण कुमार मेहता का कॉम्प्लेक्स है और देखिए किस तरीके से तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं। ये लोग अब आज लौट कर आए हैं अपनी गाड़ियों को देखने, अपने सामान को देखने, क्या स्थिति हुई, कौन जलाया क्या? सर, ये दंगाइयों ने जिससे दंगा फला और ये गाड़ी न्यू थी, ऐसे उन्होंने दंगे के हवाले कर दिया। ये पूरा देख सारा गाड़ी न्यू का न्यू था, ये हमारे नहीं मगर मालिक का गाड़ी। देखिए पूरे नई गाड़ी थी और गाड़ी की क्या स्थिति, नई गाड़ी और देखिए किस तरीके से जल कर ख़त्म हो गया सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार शरीफ में कैसे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनका जो बर्बाद हुआ है वो कैसे वापस होगा, लाखों करोड़ों की संपत्ति जल गई। आपका क्या क्या जल? हमारा दुकान और टोटो वगैरह था, न्यू जनरेटर था, वो सारा कुछ जल के और गले में 3.5 लाख रुपये कैश रखा, तो वो भी सब जल कर राख हो गया। 3 लाख रुपये कैश भी जल गया? जल गया। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल बता रहे हैं कि देखिए ये जो इनकी नई गाड़ियाँ थी, इनके गले में ये ट्रांसपोर्ट के लिए, दरअसल ये किताब का व्यवसाय करते हैं और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्होंने इस तरीके का छोटा छोटा ई रिक्शा खरीदा हुआ था और तमाम जो ई रिक्शा हैं देखिए वो जलकर खाक हो गए हैं। तो तस्वीरें ये बताती हैं कि जिन्होंने बर्बाद किया, उपद्रवियों को ये भी दया नहीं आई कि किसी के ज़िंदगी भर की कमाई है और उसे हम जला दे रहे हैं। सब कुछ जल गया बाबू तुम लोग? जी हाँ, मेरा मामा का दुकान था किताब का, वो पूरा ख़त्म हो चुका था। हम रात को आए थे तो कुछ बचा है, सब जल गया। जी हाँ। कितना का संपत्ति हो? लगभग 50-60 लाख का जल गया। किसी का 50-60 लाख गया, किसी का 2 करोड़ गया, किसी के 3-3 गाड़ियां चली गई। और कसूर क्या था? सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर इनका क्या कसूर था? उपद्रवियों ने क्यों चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया और उनकी संपत्ति जलाकर खाक कर दी? ये कौन सा इलाका है यहाँ पर? ये है गंगन दमन, गगन दमन प्रमिला कॉम्प्लेक्स, सोगरा कॉलेज के बगल में प्रमिला कॉम्प्लेक्स, इसी के अंदर हम लोग का शॉप चलता है। यहाँ से सारे नालंदा जिला में डिस्पोर्ट होता है, स्टेशनरी, कॉपी, बुक सारा यहीं से जाता है सब जगह। और उन्होंने ये इसका टारगेट करके ये दुकान का आग लगाया गया है, ये सारा टारगेट किया हुआ है। क्योंकि वो दंगाए हुआ 6 बजे, हम लोग यहाँ से 4 बजे निकले हैं। उस दिन हम लोग दुकान में गेट पर शीशा का गेट लगवा रहे थे, 4 बजे निकले, 6 बजे मंजर हुआ। सोचिए हम लोग का सीजन का तैयारी था, इसमें हम लोग ने जिंदगी भर का पूंजी इसमें इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि तत्काल में सीजन है मुँह पर, आज से हम लोग का सीजन चलता। अब आप ये मंजर देखिए क्या मंजर हो गया, आप खुद खुद देख सकते हैं। मेरा नाम है ओमकार नाथ, मेरा ये स्टेशनरी का शॉप है। ओमकार कह रहे हैं कि देखिए साल भर हमें इंतजार इस अप्रैल के महीने का होता है, पहले हफ्ते में स्कूल में किताब कॉपियां देनी होती है और आप मंजर देखिए कुछ नहीं बचा है, लाखों करोड़ों की संपत्ति जलाने वालों ने जला दी है। ओमकार कह रहे हैं कि टारगेट करके चुन चुन कर हमारे संपत्ति को जलाया गया, हमें बर्बाद किया गया। अब इस राख के मलबे से, इस लोहे के मलबे से हम कहाँ से नई जिंदगी कैसे शुरू कर पाएंगे? अब परेशानी इन लोगों के लिए ये है कि भले ही दूसरे इलाकों में ज़िंदगी सामान्य हो जाएगी, मगर इस गगन दीवान इलाके में, प्रमिला कॉम्प्लेक्स में जो दुकानदार और व्यवसायी हैं, इनके लिए ज़िंदगी थम सी गई है। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी को नई शुरुआत दें तो कैसे दें, सब कुछ जलकर खाक हो गया। बड़ी जल्दी सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, बिहार शरीफ़।